नमस्कार द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूँ साक्षी शर्मा के साथ। और आज हम बात करेंगे नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र। नीमका थाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यहाँ कांग्रेस ने सुरेश मोदी को मैदान में उतारा है तो वही बीजेपी ने प्रेम सिंह बागियोर को एक बार फिर मौका दिया। 2018 के चुनाव में नीमका थाना विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के सुरेश मोदी और बीजेपी के प्रेम सिंह बाजोर दोनों ही यहां चुनाव लड़ चुके हैं। जहां कांग्रेस के सुरेश मोदी ने 12,615 मतों के भारी अंतर से बीजेपी के प्रेम सिंह बाजोर को हराया था। 2018 के चुनाव में सुरेश मोदी को 66,287 वोट मिले तो वहीं बीजेपी के प्रेम सिंह बाजोर के खाते में 53,675 वोट आए। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रमेश खंडेलवाल ने 25,620 वोट हासिल कर चुनाव में रोमांच डाल दिया। नीमका थाना विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट। नीमका थाना विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहां पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी को जीत मिलती रही है। 1990 से लेकर अब तक के चुनाव में 3 बार बीजेपी को जीत मिली तो 4 बार कांग्रेस के खाते में जीत थी। अब बात करते हैं नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण के बारे में। नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति का दबदबा है। यहाँ कुल वोटर्स की संख्या करीब 2,40,000 के आसपास है, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या करीब 1,25,000 के आसपास तो वहीं महिला वोटर्स करीब 1,15,000 के आसपास है। द नगरी न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र की जहां जीत के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कसी है, क्योंकि इस सीट पर जीत उम्मीदवारों के आने वाले राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा। नमस्कार।